ये है फायरबोल्ट डोमिनियन। अब इससे पहले ना हमने फायरबोल्ट कोबाल्ट को टेस्ट करके अपने चैनल पर उसका रिव्यू डाला है, और वो जो वॉच है ना वो काफ़ी हद तक सिमिलर है ओनिक्स की और रॉयल उन्होंने पहले लॉन्च करी थी। तो उसमें आपको भाई मतलब इनबिल्ट स्टोरेज वगैरह मिलती है, साथ में TWS कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो वॉच है ना उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो लुक है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। फायरबोल्ट कोबाल्ट में आपको यहाँ पर रगेड लग्जरी टाइप की लुक देखने को मिलती है, थोड़ी सी ऐसे देख सकते हो बल्कि है, और वैसे यहाँ पर आपको रगेड लग्जरी टाइप की लुक डोमिनियन में भी देखने को मिलती है। तो जल्दी से भाई डब्बा ओपन कर लेते हैं, वॉच देखते हैं वो कैसी है, इसमें फीचर वगैरह क्या क्या है। तो सबसे पहले ये जो वॉच है ना मेरे पास यहाँ पर ये ब्लैक कलर में AMOLED डिस्प्ले आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है, और इसके ऊपर कुछ इसके मेन फीचर लिखे हैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दूंगा, पीछे भी इसके कुछ जो फीचर देख सकते हो। तो डब्बा जल्दी से ओपन कर लेते हैं और वॉच देख लेते हैं वो कैसी है। वॉच यहाँ पर अंदर ही गिर गई है क्योंकि भाई ऑब्वियसली जो मेटल स्मार्ट वॉच होती है ना थोड़ी सी हैवी होती है। तो ये है फायरबोल्ट डोमिनियन भाई, एकदम स्टेल्थ ब्लैक कलर है, और इसकी स्क्रीन के ऊपर एक जो स्टिकर लगा तो वो मैं हटा देता हूँ, तो कुछ ऐसी इसकी लुक आती है। तो एक बार इसको साइड में रखते हैं, बॉक्स में जो बाकी चीज़ें देख लेते हैं वो क्या क्या मिलती हैं। तो यहाँ पर बॉक्स में ऑब्वियसली यूजर मैनुअल है, कुछ यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन और वार्निंग भी है। उसके बाद एक चार्जिंग केबल आती है, ये पावर कनेक्टर पिन वाली चार्जिंग केबल है, और ऑब्वियसली ये मेटल स्मार्ट वॉच है तो इसके स्ट्रैप्स एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक टूल भी दिया हुआ। तो ये तो बात हुई बॉक्स कंटेंट के बारे में, अब आ जाते हैं भाई वॉच की तरफ। और ये जो वॉच है ना भाई कुछ अलग अलग कलर में भी आती है, गोल्ड सिल्वर अलग अलग बहुत सारे आपको कलर यहाँ पर वेरियंट्स मिल जाते हैं, लेकिन ब्लैक में इस वॉच की लुक है जैसा आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसी दिखती है। और जैसा मैंने बोला था भाई ये जो वॉच है ना इसका जो स्टाइल है ना लग्जरी वॉचेस से काफी डिफरेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पर काफी बल्कि रगेड टाइप की लुक देखने को मिलती है इस वॉच में। तो काफी बड़ा और बल्कि सा डायल है, लेकिन यहाँ पर आपको तीन बटन दिए हैं, तो ये ऊपर नीचे जो शॉर्टकट बटन रहेंगे, बीच में यहाँ पर ये एक रोटेटिंग क्राउन है जिस पर ये इस तरह का लोगो बना हुआ है। बाकी स्ट्रैप्स देख सकते हो ये जो कुछ इस तरह से है, और स्ट्रैप्स की क्वालिटी में बोला कि यहाँ पर ठीक है, थोड़े से आवाज करते हैं ये स्ट्रैप्स वैसे। बाकी इस पर भी फायरबोल्ट की ब्रांडिंग है और इसको इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। बाकी बिल्ड में बोलूँगा कि भाई अच्छी है, यहाँ पर काफी रगेड टाइप की लग रही है। ऑब्वियसली पीछे की तरफ इसके सेंसर है, तो हार्ट रेट सेंसर, चार्जिंग पॉइंट, एंड ऑब्वियसली कॉलिंग वॉच है, तो यहाँ पर आपको स्पीकर के लिए माइक्रोफोन वगैरह दिया है। बट जल्दी से इस वॉच को मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर एच बैंड लाइट करके एक ऐप है, तो उसके साथ इसको पेयर करना पड़ेगा, तो जल्दी से उसको पेयर कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले इस वॉच को ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पर देख सकते हो वॉच है वो ऑन हो गई है। ये वॉच यहाँ पर दिख रही है भाई, फायरबोल्ट 211 कन्फर्म, यस पेयर, तो करेक्ट तो हो गई है। लेकिन ये जो ऐप है ना बहुत ज्यादा ऐसे यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो मेन टैब्स यहाँ पर जैसे डैशबोर्ड, उसके बाद वर्कआउट और यहाँ माइंड का ऑप्शन है, बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको दिखेंगे नहीं। लेकिन जो वॉच के अगर फीचर देख रहे हैं तो यहाँ पर मोर पे जाना होगा आपको, और सेटिंग पे यहाँ पर टैप करना है, तब जाके आपको सारे यहाँ पर जो इसके सेटिंग्स वगैरह दिखेंगी। जैसे वॉच फेस चेंज करना है ना, तो यहाँ पर डायल सेटिंग में जाना होगा, और उसके बाद यहाँ पर फेस गैलरी पे टैप करना होगा, तब जाके तो यहाँ पर इसकी जो वॉच फेस की जो इनबिल्ट लाइब्रेरी वगैरह दिख जाएगी। तो यहाँ पर मैं स्वैप करता हूँ तो नीचे और लोड हो जाती है। तो आई गेस फायरबोल्ट को भाई एक ही ऐप रखनी चाहिए, हर बार भाई थोड़ी सी ऐप चेंज हो जाती है, तो ये है इसमें थोड़ा यूजर फ्रेंडली मुझे थोड़ा कम लगी ऐप। बट जल्दी से अब वॉच के फीचर्स वगैरह वो चेक कर लेते हैं वो कैसे हैं। तो सबसे पहले तो जैसे बताया 1.43 इंच का सर्कुलर AMOLED डिस्प्ले आपको इस वॉच में दिया हुआ है, और काफी अच्छी क्वालिटी का AMOLED डिस्प्ले, काफी शार्प भी है, 466 पिक्सल बाय 466 पिक्सल की रेजोल्यूशन है। और ऑब्वियसली भाई AMOLED रहता है ना, तो यहाँ पर आपको काफी डीप ब्लैक और काफी पंची कलर इस वॉच में देखने को मिल जाएंगे, और हाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर भी आपको इस वॉच में मिल जाएंगे। तो ये इसका एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो वॉच फेस है, 4 के करीब आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फीचर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एनालॉग यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, तो ये इसका एनालॉग वाला जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। बाकी ब्राइटनेस भी इस वॉच की भाई काफी अच्छी खासी है, 750 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस रहेगी, इंडोर आउटडोर में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर इस डिस्प्ले के साथ। तो डिस्प्ले यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, और यहाँ पर जैसे बताया था रोटेटिंग क्राउन है, तो इससे वॉच फेसेस वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो भाई बेजल वगैरह तो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ऊपर एक फ्रेम सा रहता है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये जो वॉच फेस है। और बाकी जैसे बताया भाई इसकी ऐप से भी चेंज कर सकते हो और अपना भी लगा सकते हो वैसे वॉलपेपर, या फिर अपनी फोटो वगैरह लगानी हो तो। बाकी इसके मेन्यू की बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो शॉर्टकट यहाँ पर बटन रहते हैं, जिसमें आप यहाँ पर ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, सेटिंग वगैरह में जा सकते हो, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो शॉर्टकट कार्ड्स हैं, जिसमें यहाँ पर फोन, स्टेप्स काउंट, लास्ट नाइट की जो स्लीप रहेगी, स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट, ब्लड ग्लूकोज, तो यहाँ पर आप पता नहीं शुगर वगैरह भी चेक कर सकते हो, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, यहाँ पर आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन मिलती है। और स्वाइप करके आप आर्ली और साथ में यहाँ पर फ्यू डेज का फोरकास्ट देख सकते हो। होम स्क्रीन पे आप यहाँ पर अगर लेफ्ट से राइट की स्वाइप करोगे तो ये रीसेंट जो ऐप आपने ओपन करी थी उसके शॉर्टकट है। उसके बाद यहाँ पर आप डायल वगैरह भी करना हो जल्दी से तो यहाँ पर जा सकते हो। मेन्यू ओपन करने के लिए आपको ये जो क्राउन है इसको आपको प्रेस करना होगा, तो ये मेन्यू ओपन हो जाएगा, और ये जो क्राउन है इस जगह पर भी वर्क करता है मेन्यू वगैरह आपको जो आप ऑपरेट करने के लिए भी। और इस मेन्यू में सबसे पहले यहाँ पर वर्कआउट के ऑप्शन दिया है, और यहाँ कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे यहाँ पर इंडोर में जाते हैं तो और कुछ यहाँ पर आपको वर्कआउट के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो काफी सारे वर्कआउट के यहाँ पर जो आपको फीचर दिया है, और वर्कआउट को डायरेक्ट एक्सेस करना हो तो ये ऊपर और नीचे वाला बटन भी है, इससे आप यहाँ पर शॉर्टकट के थ्रू जल्दी से एक्सेस कर सकते हो। दोनों ही यहाँ पर बटन एक जैसे ही वर्क करते हैं, और इनको कस्टमाइज करने का मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला। बट उसके बाद इस मेन्यू में यहाँ पर हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, और उसके बाद एक्टिविटी, स्लीप, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, हमने देखा जैसे MET, ब्रीथ,
फोन नोटिफिकेशन म्यूजिक फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन है, कैमरा वेदर स्टॉप वॉच टाइमर अलार्म टॉर्च फाइंड फोन का ऑप्शन है, वॉइस असिस्टेंट कैलकुलेटर और सेटिंग है। और सेटिंग में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्थ मॉनिटरिंग के ऑप्शन है जिसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। स्क्रीन डिस्प्ले स्विच बेसिकली यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के स्विचेज हैं। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन लैंग्वेज जिसमें मेरे ख्याल से हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट तो शायद यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ऐप QR कोड सिस्टम में तो रीबूट पावर फैक्ट्री रीसेट के ऑप्शन रहते हैं। तो फीचर वगैरह जैसा आपने देखा भाई, थोड़े बहुत फीचर मुझे यहाँ पर मिसिंग लगे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको गेम्स वगैरह नहीं मिलती हैं, स्टॉक यहाँ पर जो ट्रैक करने का ऑप्शन नहीं है। बाकी देखो इस वॉच को पहनने के बाद इसकी जो इन हैंड लुक रहती है वो कुछ ऐसी रहती है, और ऑब्वियसली इसको मेरे रिस्ट साइज के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। लेकिन जैसा आप देखते हो भाई, ये जो वॉच है ना थोड़ी सी यहाँ पर बल्की सी है, रगेड टाइप की लगती है, और दिखने में वैसे इन हैंड लुक इसकी काफ़ी सही लग रही है ब्लैक में, बट आई गेस और थोड़े जो कलर्स हैं बाकी जो थोड़े से और प्रीमियम लगेंगे। बाकी यहाँ पर आपको जो रेस्ट वेक वाला फीचर मिलता है तो उसको भी चेक कर लेते हो, देख सकते हो यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से भाई इसका हार्ट रेट SpO2 मॉनिटरिंग वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हार्ट रेट यहाँ पर मेजर करेंगे, और इसके लिए मैं यहाँ पर एक ऑक्सीमीटर लगा लेता हूँ कंपेयर करने के लिए। मुझे इसको इस तरह से पकड़ के रखना पड़ेगा क्योंकि भाई थोड़ा सा ना ऐसे स्नग फिट होना चाहिए एक्यूरेट रीडिंग के लिए। तो ऑक्सीमीटर में भाई देखो यहाँ पर दिख रहा है भाई 88, 87 और वॉच में दिख रहा है 68, तो भाई काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर है। तो ये एक चीज़ है कि मतलब यहाँ पर आपको एक्यूरेसी के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लग रही। बाकी इसका SpO2 भी चेक कर लेते हैं वो यहाँ पर कैसा है। तो इसको मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ और अब देखते हैं यहाँ पर कितनी क्लोज रीडिंग रहती है। बाय द वे इसमें आपको यहाँ पर रेड सेंसर मिलता है ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए। तो यहाँ पर वैसे दिखा रहा है भाई ऑक्सीमीटर में 97 और वॉच में दिखा रहा है 97, 98। सो ये थोड़ा सा मुझे क्लोज यहाँ पर दिख रहा है, बट हर बार की तरह बोलता हूँ भाई ये जो वॉचेज़ हैं मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आपको इनको यूज़ करना तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज़ करना। इसमें ऐसे आपको भाई शुगर और BP जैसा भी फीचर दिया, लेकिन उनके लिए मैं वॉचेज़ पे बिल्कुल रिलाय नहीं करूँगा, आप भाई मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ करो तो बेटर है। बाकी अब जल्दी से इसका एक कॉलिंग वाला फीचर भी टेस्ट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर एक नंबर डायल कर देता हूँ और सबसे पहले देखते हैं इसका जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो कितना लाउड है। तो वॉल्यूम यहाँ पर डिसेंट है, काफ़ी लाउड भी है वैसे, इवन दो मेरे रूम में फैन चल रहा है और फैन के बाद ना थोड़ा सा ऐसे साउंड दब जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है सुनने में। तो इंडोर आउटडोर मुझे लगता है आपको कोई इशू होगा। बाकी माइक की क्वालिटी हमने यहाँ पर अभी कुछ कॉल्स नहीं है, और माइक की क्वालिटी भी यहाँ पर बोल रहा है कि डिसेंट है, सामने वाले को सुनने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कॉलिंग वाला फीचर यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी नोटिफिकेशन की बात करें तो जैसा आप देखते हो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आती है, यहाँ पर भाई कॉलर का नाम आ रहा है और ये वॉच भाई रिंग कर रही है, वाइब्रेट भी कर रही है। इसको आप यहाँ पर म्यूट कर सकते हो, मैं यहाँ पर इसको उठा लेता हूँ, और उठाने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं जैसे म्यूट कर सकते हो, काट सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर काट देता हूँ इसको। देखो भाई क्विक रिप्लाई वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, अभी हमने वैसे देखा था भाई फायरबोल्ट ने कुछ वॉचेज में डाला था लेकिन यहाँ पर नहीं है। बाकी SMS नोटिफिकेशन कुछ ऐसी रहती है, इंग्लिश टेक्स्ट का सपोर्ट है लेकिन हिंदी वाला जो टेक्स्ट है ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पर एक बार ना एक थोड़ा लंबा टेक्स्ट करने की कोशिश करता हूँ इंग्लिश वाला, मे भी हो सकता है हिंदी टेक्स्ट के साथ ही ये प्रॉब्लम हो। तो ये वाला जो इंग्लिश का टेक्स्ट है देख सकते हो भाई ये पूरा यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो हिंदी टेक्स्ट का मैं बोलूंगा कि भाई ऑलमोस्ट यहाँ पर सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा मेगल से फिक्स करने की जरूरत है। तो ओवरऑल ये है भाई फायरबोल्ट डोमिनियन। देखो भाई वॉच दिखने में यहाँ पर भाई काफी अच्छी दिखती है, थोड़ी सी रगेड टाइप की लग्जरी है, मतलब लग्जरी रगेड स्मार्ट वॉच है ये। और अभी भाई रिसेंटली फायरबोल्ट ने फायरबोल्ट ओनिक्स रॉयल और अभी कोबाल्ट वगैरह लॉन्च करी थी, ऐसी ही थोड़ी बहुत उनकी भी लुक दिखती है आपको, लेकिन उसमें ना आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं और प्राइस ऑलमोस्ट सेम बराबर सही है। इस वॉच का प्राइस है भाई 2499 रुपए, तो 2500 रुपए, और वो जो वॉचेज है वो आपको मिल जाती है भाई 3000 रुपए में। मेरे ख्याल से फायरबोल्ट रॉयल आपको 2500 रुपए में मिल जाती है, और उसमें आपको इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है, मतलब बहुत सारे फीचर वगैरह मिल जाते हैं, TWS कनेक्ट कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको इसकी जो लुक है वो थोड़ी अलग लग रही है, मतलब आपके स्टाइल के साथ जा रही है ये वॉच लुक वाइज, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, क्या यहाँ पर मिसिंग है, तो आप अपना डिसीजन उस हिसाब से बना सकते हो। और अगर आपको ये वॉच परचेज करनी होगी तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह के एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।